पूरी तरह से फंसा आईपीएल 2020 का पॉइंट्स टेबल। 6 टीमों में प्लेऑफ के लिए करो या मरो की लड़ाई। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की करारी हार ने पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही 18 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच चुकी है, लेकिन प्लेऑफ में 3 बाकी टीमें कौन सी होंगी इसको लेकर तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। 6 टीमें अब भी इन 3 जगहों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, जबकि आईपीएल के लीग स्टेज में सिर्फ 4 मैच और रह गए हैं। ऐसे में बाकी बचे मैच 6 टीमों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। अब सारी टीमों को एक एक मैच और खेलना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स 14 अंकों के फेरे में फंस गई है। शनिवार को हर किसी को उम्मीद थी कि ये दोनों टीमें एक एक जीत दर्ज कर बड़े आराम से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन इन दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि दोनों टीमों को आखिरी मैच एक दूसरे के खिलाफ ही खेलना है, यानी ये मैच दोनों के लिए सेमीफाइनल की तरह होगा। जीत का मतलब होगा सीधे प्लेऑफ में एंट्री, लेकिन हारने वाली टीम को दूसरे नतीजों पर निर्भर रहना होगा। सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर, इन सारी टीमों के खाते में 12-12 अंक हैं। सनराइजर्स के लिए अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट प्लस में है, जबकि बाकी टीमें का नेट रन रेट माइनस में है। इसमें सबसे खराब नेट रन रेट -0.467 कोलकाता का है। पंजाब को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है। उन्हें आखिरी मैच चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेलना है। वहीं केकेआर और राजस्थान को आखिरी मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलना है। इन्हें न सिर्फ आखिरी मैच जीतना होगा, बल्कि ये भी दुआ करनी होगी कि सनराइजर्स और पंजाब दोनों को अपने आखिरी मैच में जीत न मिले। यहाँ इन दोनों टीमों को खतरा है नेट रन रेट से। खराब नेट रन रेट इनकी उम्मीदों को झटका दे सकती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।